हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम माइक्रीम की कॉर्ड से एक बहुत ही ब्यूटीफुल माइक्रीम मिरर वॉल हैंगिंग डिज़ाइन बनाएंगे। सो माइक्रीम मिरर वॉल हैंगिंग डिज़ाइन बनाने के लिए आपको यहाँ पे चाहिए दो कलर के माइक्रीम कॉर्ड। मैंने यहाँ पे पिंक कलर और मस्टर्ड येलो कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे चूज़ किया है। आप चाहो तो इसको सिंगल कलर में भी बना सकते हो। इसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे लाइट ब्लू कलर के यानी कि स्काई ब्लू कलर के मैंने बेल्स का यूज़ किया है। स्काई ब्लू कलर के यहाँ पे मैंने जो है कांटा बीड्स का यूज़ किया है। रिंग चाहिए हमें 4 नंबर की, 2 रिंग चाहिए और 8 नंबर की एक हमें यहाँ पे बिग साइज की रिंग चाहिए और 8 नंबर का हमें यहाँ पे मिरर चाहिए होगा। और इसके बाद लाइटर एंड सीजर। सो फ्रेंड्स, यही मटेरियल हमें माइक्रीम मिरर वॉल हैंगिंग डिजाइन बनाने के लिए चाहिए। अगर आपको ये मेरा डिजाइन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बहुत ही ब्यूटीफुल से माइक्रीम मिरर। सो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे हमारी 4 नंबर की रिंग को सेफ्टी पिन के साथ यहाँ पे सिक्योर कर दिया है। हम इसके ऊपर कॉर्ड अटैच कर लेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है हमारी येलो कलर की कॉर्ड। इसकी मेजरमेंट यहाँ पे रहेगी 4 मीटर। सो इस तरीके से कॉर्ड को हम यहाँ पे लेंगे और ऊपर की तरफ से कॉर्ड को लेने के बाद यहाँ पे हम इस तरीके से कॉर्ड को लूप के अंदर से निकाल लेंगे, जिससे कि यहाँ पे हमारी कॉर्ड जो रहेगी वो यहाँ पर अटैच हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिया है सेकेंड येलो कलर का कॉर्ड। मेजरमेंट बिल्कुल सेम रहेगा 4 मीटर और उसी तरीके से यहाँ पे मैंने कॉर्ड को जो है अटैच कर लेना है इसी तरीके से। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है पिंक कलर का कॉर्ड। मेजरमेंट यहाँ पे 4 मीटर रहेगा और इसी तरीके से हम यहाँ पर कॉर्ड को जो है अटैच कर लेंगे। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे 4th कॉर्ड लिया है, ये भी हमारा पिंक कलर का कॉर्ड रहेगा और एज इट इज यहाँ पे मैंने इसको कॉर्ड को जो है अटैच कर लेना है। सो देखिए फ्रेंड्स, इसी सीक्वेंस में हम यहाँ पे कॉर्ड जो है वो अटैच कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे जो है 4 पिंक कलर के कॉर्ड और 2 येलो कलर के कॉर्ड यहाँ पे अटैच करेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एज इट इज यहाँ पे कॉर्ड को अटैच कर लिया है। सो इसी तरीके से टोटल 10 कॉर्ड यहाँ पे मैंने अटैच किए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सेंटर में जो है कोई भी यहाँ पे 2 कॉर्ड लेंगे और उसके सेंटर वाली कॉर्ड में यहाँ पे हम जो है एक बीड्स को फंसाएंगे। बीड्स को फंसाने के बाद देखिए यहाँ पर हम एक सिंपल नॉट लगा लेंगे इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम नेक्स्ट कॉर्ड लेंगे। नेक्स्ट कॉर्ड में भी हम एज इट इज यहाँ पे जो है बीड्स को फंसा लेंगे और ऐसे ही हम यहाँ पर भी एक सिंपल नॉट लगा देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम नेक्स्ट कॉर्ड लेंगे। नेक्स्ट कॉर्ड में भी हम यहाँ पर मिडिल वाली 2 कॉर्ड में हम एक बीड्स को फंसाएंगे। बीड्स को फंसाने के बाद यहाँ पे हम एज इट इज सिंपल नॉट लगा देंगे एक। सो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से बाकी के दोनों कॉर्ड में हम बीड्स डाल के नॉट लगा के कंप्लीट कर लेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, एज इट इज मैंने यहाँ पे बाकी के दोनों कॉर्ड में बीड्स डाल के कंप्लीट किया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, दोनों की साइड की येलो कलर की कॉर्ड को हम छोड़ देंगे और अब देखिए फ्रेंड्स, ये पिंक वाली जो कॉर्ड रहेंगी इसकी हमें 2 कॉर्ड को यहाँ पे इस तरीके से ले लेना है। 2 कॉर्ड को लेने के बाद यहाँ पे हम एक सिंपल नॉट लगाएंगे, यानी कि 2 कॉर्ड के बीच में यहाँ पर हम एक सिंपल नॉट जो है लगा लेंगे इस तरीके से। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, एज इट इज यहाँ पर भी हम यानी कि दूसरी तरफ में भी ऐसे ही हम एक सिंपल नॉट लगाएंगे। इस तरीके से। सो देखिए फ्रेंड्स, एज इट इज अब हम यहाँ पर सेंटर में भी जो है इसी तरीके से एक नॉट लगा के यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से यहाँ पे हमारा एक जो है ट्रायंगल शेप का डिजाइन बन करके आएगा। सो देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ का डिजाइन मैंने यहाँ पे बनाया है, तो इसी तरीके का डिजाइन हमें इस तरफ में बनाना है। सो देखिए फ्रेंड्स, येलो कलर की जो 1st कॉर्ड रहेगी वो 1st कॉर्ड हम यहाँ पे ले लेंगे। 1st कॉर्ड को लेने के बाद देखिए इस तरीके से यहाँ पे हम पाइपिंग करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 2nd कॉर्ड को लेंगे और
सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अब इसी तरीके से फोर्थ लाइन की पाइपिंग भी इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ की डिज़ाइन मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पे हम देखिए ये जो येलो कलर की हमारी कॉर्ड आ रही हैं, सेंटर में हम यहाँ पे फोर कॉर्ड जो है एक साथ में लेंगे, और यहाँ पे लेने के बाद जो है सिंपल नॉट यहाँ पे हम लगा लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे आपको ये नॉट जो है बिल्कुल टाइट तरीके से लगा लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम फोर जो है नॉट्स लगाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पे थ्री टाइम्स भी नॉट यहाँ पे लगा सकते हो, पर मैंने यहाँ पे देखिए इस तरीके से फोर टाइम्स जो है नॉट लगा दिया है। अब हम मिडिल वाली कॉर्ड लेंगे। मिडिल वाली कॉर्ड लेने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखिए जो सेंटर में हमारे पास गैप मिलेगा यहाँ पे इस तरीके से, इस गैप के अंदर से हमें ये दोनों कॉर्ड जो है निकाल लेनी है इस तरीके से। नीचे की तरफ से कॉर्ड आएंगी इस तरीके से, हम दोनों कॉर्ड को जो है अच्छे से निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, कॉर्ड को निकालने के बाद यहाँ पे हम जो है एक सिंपल नॉट लगा लेंगे, जिससे कि यहाँ पे जो कॉर्ड हमारी ऊपर की तरफ से आ रही है वो हम यहाँ पे इजीली सिक्योर कर सकें इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एज इट इज़ जो है बना के कंप्लीट किया है। अब इसी तरीके से यहाँ पे हम जो है इन दो के बीच में भी यहाँ पर हम ऐसा ही डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर भी हम इसी तरीके से जो है सबसे पहले फोर सिंपल नॉट लगाएंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस डिज़ाइन के बाद हमने इस तरफ में डिज़ाइन बनाया है। सो ये जो डिज़ाइन हमने बनाया है, इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट वाली हमारी येलो कलर की कॉर्ड रहेगी, इस कॉर्ड को हम यहाँ पे ले लेंगे, और इसके ऊपर यहाँ पे जो हमारी पिंक वाली कॉर्ड रहेंगी जो ऊपर की तरफ से हमारी आ रही हैं, सबसे पहले हम दो कॉर्ड को जो है इसके ऊपर यहाँ पे पाइप इन करेंगे, यानी कि सिर्फ फ्रंट वाली दो कॉर्ड को हमें यहाँ पे पाइप करना है इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने दो कॉर्ड को यहाँ पे पाइप कर दिया है। इसके बाद देखिए ये जो कॉर्ड रहेंगी, इसको हम एक कॉर्ड को देखिए इस तरीके से एक बार अंदर की तरफ से निकाल लेंगे, और फिर एक बार कॉर्ड को हम यहाँ पे बाहर की तरफ से जो है निकाल लेंगे। सो इसी तरीके से एक बार कॉर्ड को अंदर की तरफ से, और फिर एक बार कॉर्ड को हम यहाँ पर बाहर की तरफ से जो है इस तरीके से निकाल लेंगे। और यहाँ पे ये जो कॉर्ड हम एक बार अंदर की तरफ से और एक बार बाहर की तरफ से निकालेंगे, इसको हमें यहाँ पे 10 times जो है निकालना है, यानी कि 5 times अंदर की तरफ से और 5 times बाहर की तरफ से निकालना है, जिससे कि ये जो डिज़ाइन है यहाँ पे हमारा 5 times जो डिज़ाइन है हमारा बन करके आएगा इस तरीके से। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो दोनों तरफ 5 5 जो है मैंने यहाँ पे डिज़ाइन बनाया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बनाने के बाद
जिस कॉर्ड के ऊपर हमने दो फ्रंट वाली कॉर्ड को पाइप इन किया था, अब उसी तरीके से हम इस वाली कॉर्ड को भी जो है इस येलो कलर की कॉर्ड के ऊपर पाइप इन कर देंगे इस तरीके से, जिससे कि दोनों तरफ का डिज़ाइन जो है बिल्कुल सेम रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये वाला डिज़ाइन बनाने के लिए दो कॉर्ड हमें चाहिए, और देखिए एक बार इस कॉर्ड को हम जो है इस तरीके से निकाल लेंगे, फिर दूसरी कॉर्ड को हम दूसरी कॉर्ड को कॉर्ड के ऊपर से बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे हम निकाल लेंगे। देखिए एक बार इस तरीके से निकालेंगे, एक बार इस तरीके से निकालेंगे, और ये जो डिज़ाइन हम बनाएंगे ये हमें यहाँ पे टोटल जो है 15 टाइम्स बना लेना है। सो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 15 टाइम्स यहाँ पे डिज़ाइन बना लिया है। इसके बाद देखिए सेम एज इट इज़ अब हम यहाँ पे पाइप इन कर देंगे। इस तरीके से, और देखिए फ्रेंड्स इस डिज़ाइन को हम इस तरीके से जो है बाहर की तरफ में निकाल देंगे, क्योंकि दोनों डिज़ाइन हमारी जो है बाहर की तरफ में हो जाएंगे इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक लाइन की पाइपिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद देखिए अब हमें सिंपली जो है कॉर्ड को लेते जाना है, येलो कलर की कॉर्ड को, और उनके ऊपर यहाँ पे हम सभी कॉर्ड को जो है तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से अब हम यहाँ पर फोर्थ नंबर की पाइपिंग भी सेम एज इट इज़ कंप्लीट करके इसे कंप्लीट करेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ मैंने यहाँ पे बिल्कुल सेम डिज़ाइन बना लिया है। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, मिडिल वाली जो है यहाँ पे हम फोर कॉर्ड जो है इस तरीके से ले लेंगे, और मिडिल वाली फोर कॉर्ड लेने के बाद यहाँ पे हम एक सिंपल नॉट जो है इस तरीके से लगाएंगे, इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, एक नॉट के बाद यहाँ पे हम साइड में भी जो है इसी तरीके से नॉट लगा लेंगे। इस तरीके से अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरफ में लगाया है नॉट, तो हम इस तरफ में भी अब सेम एज इट इज यहाँ पे हम नॉट जो है इस तरीके से लगाएंगे। इस तरीके से अब देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ में नॉट हो चुकी है। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे थर्ड जो है पाइपिंग जो है नॉट लगाएंगे इसी तरीके से। इस तरीके से अब देखिए फ्रेंड्स, दो नॉट के बीच में अब हम एक सिंपल नॉट लगाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने इस तरफ में नॉट लगाया, तो हम इसी तरीके से इस तरफ में भी नॉट लगाएंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमने यहाँ पे थ्री जो है नॉट लगा लिए हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पे लिया है हमारा 10 नंबर का रिंग जो है, मैंने 10 नंबर का मिरर लिया है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 10 नंबर की रिंग ली है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी पिंक वाली कॉर्ड रहेंगी, ये सारी की सारी हम इस रिंग के अंदर से जो है निकालेंगे, और रिंग के अंदर से निकालने के बाद इस तरीके से एक एक करके यहाँ पे हम पिंक वाली जो कॉर्ड रहेंगी इसको हम यहाँ पे पाइप इन करेंगे, जिससे कि यहाँ पे ये रिंग हमारी यहाँ पे सिक्योर हो जाए इस तरीके से। और यहाँ पे हमें इसको काफ़ी टाइट तरीके से जो है पाइपिंग करना है, जिससे कि यहाँ पे हमारी जो रिंग है वो यहाँ पे
अच्छे से सिक्योर हो जाएगी। सो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से यहाँ पे हम जो है बाकी की सभी कॉर्ड्स को इस रिंग के अंदर इसी तरीके से पाइपिंग करके कंप्लीट कर लेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इस तरीके से डिज़ाइन बना के कम्प्लीट किया है, तो यही डिज़ाइन अब हमें इस तरफ में बनाना है। सो देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमें पिंक जो कॉर्ड रहेगी, ये रिंग, इसको हमें कवर करना है। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पिंक कलर का कॉर्ड लिया है और इस तरीके से कॉर्ड हमें यहाँ पे सेंटर जो है इस तरीके से हम निकाल लेंगे, कॉर्ड का सेंटर निकाल करके, और यहाँ पे इस तरीके से ये पिंक कलर का कॉर्ड है, आप चाहो तो इसको येलो कलर में भी बना सकते हो। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इस तरीके से सिंपल नॉट्स जो है यहाँ पे लगा लेने हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, एज इट इज अब हम यहाँ पे पूरी रिंग को जो है इसी सीक्वेंस में सिंपल नॉट लगा के कंप्लीट कर लेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पूरी रिंग को जो है यहाँ पे कवर कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बनाएंगे। सो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारी येलो कलर की कॉर्ड रहेंगी इस तरीके से, फर्स्ट येलो कलर की कॉर्ड के ऊपर यहाँ पे हम इस तरीके से सभी कॉर्ड को पाइपिंग कर लेंगे। इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, मैंने तीनों कॉर्ड को यहाँ पे पाइपिंग कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम यहाँ पे एक जो है पिंक कलर की कॉर्ड को जो है यहाँ पे ले लेंगे और ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हम कॉर्ड को अटैच करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको अटैच करने के बाद एक बार कॉर्ड को हम यहाँ पे बाहर की तरफ से निकालेंगे, एक बार कॉर्ड को हम यहाँ पे अंदर की तरफ से जो है निकाल लेंगे और इस तरीके से हमें यहाँ पे ये जो है 4 times कर लेना है। सो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे 4 times जो है कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 4 times देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे 4 times जो है डिज़ाइन बना लिया है। इसके बाद देखिए, ये जो कॉर्ड रहेगी इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब ये सामने वाली 2 cords लेंगे और इसके अंदर हम यहाँ पे एक बीड्स को जो है फंसाएंगे। सो इस तरीके से बीड्स को यहाँ पे ले लेना है और बीड्स को यहाँ पे हम इस तरीके से दोनों कॉर्ड के अंदर इस तरीके से फंसाने के बाद यहाँ पे हम तीनों कॉर्ड को पाइपिंग कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे पाइपिंग आपको एकदम टाइट तरीके से कर लेनी है। सो अब देखिए फ्रेंड्स, ये पाइपिंग यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब पाइपिंग के बाद देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉर्ड जो है यहाँ पे एक कॉर्ड हमें ले लेनी है और इस तरीके से यहाँ पे ये जो हमने लूप्स बनाए हुए हैं, इन लूप्स के अंदर से यानी कि नीचे की तरफ से हम यहाँ पे कॉर्ड को जो है निकाल लेंगे इस तरीके से। और लूप्स के अंदर से जब हम कॉर्ड यहाँ पे निकाल लेंगे, इसके बाद देखिए हम यहाँ पे फिर से जो है ऊपर की तरफ से कॉर्ड को ले करके और उसके ऊपर वापस से हम यहाँ पे सारी की सारी कॉर्ड्स जो है पाइपिंग करेंगे। इस तरीके से
अब देखिए फ्रेंड्स, वापस से हम यहाँ पे डिज़ाइन जो है बनाएंगे, यानी कि एक बार कॉर्ड को हम अंदर से निकालेंगे, फिर एक बार कॉर्ड को हम यहाँ पे बाहर की तरफ से निकाल लेंगे इस तरीके से। सो ऐसा हमें यहाँ पे 4 times करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे 4 times कर लिया है। इसके बाद एज इट इज़ हम यहाँ पे सेम जो है प्रोसेस को रिपीट कर लेंगे, यानी कि पहली 2 cords के अंदर हम यहाँ पे बीड्स को डालेंगे इस तरीके से। बीड्स को डालने के बाद यहाँ पे हम सारी cords को पाइपिंग करेंगे इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो है सभी के सभी कॉर्ड्स को इस तरीके से पाइपिंग कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1, 2 और ये 3 कॉर्ड जब हम यहाँ पे छोड़ देंगे, 3 cords के छोड़ने के बाद यहाँ पे नीचे से हम जो है लूप के अंदर से कॉर्ड को जो है इस तरीके से निकालेंगे। ये आपको यहाँ पे सीजर की हेल्प से निकाल लेना है, मैंने इसको पहले से ही लूज किया हुआ है तो इसीलिए मेरा इजिली यहाँ पे निकल रहे हैं लूप्स में। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से करने के बाद वापस से हम यहाँ पे हमारी सारी कॉर्ड लेंगे और सारी कॉर्ड को लेने के बाद एज इट इज़ यहाँ पे हम पाइपिंग जो है करेंगे, सभी कॉर्ड को हम यहाँ पे पाइपिंग कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, एज इट इज़ पाइपिंग करने के बाद इसी तरीके से हम यहाँ पे पूरी रिंग को जो है कवर कर लेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एज इट इज़ यहाँ पे दोनों तरफ में ये डिज़ाइन बना के कम्प्लीट किया है। अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो इस तरीके से 12 जो है दोनों तरफ 12 ये डिज़ाइन बना के मैंने यहाँ पे कम्प्लीट किया है, यानी कि मैंने यहाँ पे पूरी रिंग को जो है कम्प्लीट कर लिया है यहाँ तक। इसके बाद देखिए हमें कॉर्ड यहाँ पे अटैच करनी है। ये जो कॉर्ड यहाँ नीचे से आ रही हैं, ये जो कॉर्ड है यहाँ पे हमें अटैच करनी है, बट इसके ऊपर हमें मिरर को यहाँ पे रखना है, यानी कि मिरर को हमें यहाँ पे अटैच कर लेना है। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मिरर ले लिया है, ये हमारा जो बिल्कुल सेम नंबर का यहाँ पे मैंने मिरर लिया है, यानी कि जो हमने यहाँ पे रिंग अटैच किया था उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे मिरर को जो है इस तरीके से लिया है। और मिरर को हमें इसके नीचे से देखिए इस तरीके से यहाँ पे प्लेस करना होता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो कॉर्ड है हमारी, इनको हम काफी टाइट तरीके से जो है इस तरीके से ऊपर की तरफ में यहाँ पर पाइपिंग कर लेंगे, देखिए इस तरीके से, जिससे कि यहाँ पे ये जो मिरर है हमारा बिल्कुल बीच में यहाँ पे प्लेस हो और यहाँ पे कॉर्ड भी बिल्कुल ढीली ना रहे। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए एकदम टाइट तरीके से हम करते जाएंगे, जिससे कि मिरर यहाँ पे हमारा अटैच हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ पे जो है पेपर से मैंने ढक दिया है ताकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन ना हो, इसीलिए इसको मैंने यहाँ पे पेपर से ढका हुआ है। यहाँ पे आपको इसको काफी टाइट तरीके से जो है पाइप कर लेना है। और यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप मिरर लेते हो तो आपको बिल्कुल रिंग के साइज के अकॉर्डिंग आपको मिरर ले लेना है। जब कभी भी आप मिरर को बड़ा या फिर छोटा लेते हो तो वो आपकी ये जो साइड वाली रिंग होती है इनकी तरफ से बाहर निकलने लग जाता है। सो इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि मिरर आपको बिल्कुल सेम साइज का, यानी कि रिंग के साइज का ही यहाँ पे आपको मिरर ले लेना है। सो देखिए फ्रेंड्स, एज इट इज यहाँ पे हम बाकी की सारी कॉर्ड्स को इसी तरीके से इस रिंग में पाइपिंग कर लेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी रिंग को यहाँ पे जो है अच्छे से कॉर्ड को कवर कर लिया है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये पिंक वाले कॉर्ड में हम देखिए इस तरीके से बीड्स को फंसाएंगे, यानी कि 4 cords लेनी है। उसके मिडिल वाली 2 cords में हमें यहाँ पे बीड्स फंसाने के बाद एक सिंपल नॉट यहाँ पे हम लगा लेंगे, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में किया था, एज इट इज यहाँ पे करना है इस तरीके से। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम वापस से सेकेंड कॉर्ड के अंदर, यानी कि नेक्स्ट 4 cords लेंगे, उसके मिडिल के 2 cords में हम बीड्स को फंसाएंगे। उसके बाद यहाँ पर भी हम एक सिंपल नॉट लगा लेंगे।
इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद लास्ट की कॉर्ड में हम यहाँ पे यानी कि नेक्स्ट फोर कॉर्ड लेंगे और इस तरीके से यहाँ पर भी हम बीट्स डालेंगे। बीट्स डालने के बाद यहाँ पर भी हम एक नॉट लगा लेंगे, सिंपल नॉट इस तरीके से। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थ्री बीट्स यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे ये जो दो हमारे नॉट हैं यानी कि बीट्स वाले नॉट, इसके बीच में हम एक नॉट लगा लेंगे। इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, इन दो नॉट के बीच में यानी कि ये और इसके बीच में हम एक नॉट लगाएंगे। यहां पे आपको याद रखना है कि ये नॉट भी हमें बिल्कुल टाइट तरीके से लगा लेनी है, इस तरीके से। सो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हमारी इस तरीके से नॉट लगी है। ये जो दो नॉट हमने लगाई हैं, इसके बीच में भी हम यहां पर एक नॉट लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, एज इट इज यहां पर हमने नॉट लगा लिए है, तो अब इस ये जो हमारी येलो कलर की कॉर्ड रहेंगी, इनके बीच में भी अब हम यहां पर बीट्स को फंसाएंगे। इस तरीके से। और बीट्स को फंसाने के बाद देखिए, हम यहां पर भी एक सिंपल नॉट लगा लेंगे। इस तरीके से। सो देखिए फ्रेंड्स, एज इट इज यहां पर हमने जैसे बीट्स में नॉट लगा के कंप्लीट किया है, इस तरफ में भी कर लेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बीट्स डाल के नॉट लगा के कंप्लीट किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें फोर नंबर की पाइपिंग करनी है। सो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे। सो देखिए, जो येलो कलर की कॉर्ड रहेंगी वो फर्स्ट येलो कलर की कॉर्ड लेंगे और यहाँ पे हमारी जितने भी पिंक कलर की कॉर्ड आएंगी एक तरफ की कॉर्ड, यानी कि हमें इसके ऊपर टोटल जो है सिक्स कॉर्ड को यहाँ पे अटैच करना है, यानी कि पाइपिंग कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने तीन नंबर का पाइपिंग यहाँ पे कंप्लीट किया है। अब एज इट इज फोर्थ नंबर का पाइपिंग भी यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ नंबर का पाइपिंग मैंने यहाँ पे बना के कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, बीच में हमारे पास यहाँ पे ये यह हमारी मस्टर्ड येलो कलर की कॉर्ड है। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए बीच की सेंटर वाली कॉर्ड लेंगे। सेंटर वाली कॉर्ड में हम यहाँ पे फोर टाइम्स सिंपल नॉट लगाएंगे। इस तरीके से। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फोर टाइम सिंपल नॉट लगा दिया है। इसके बाद देखिए, मिडिल वाली जो कॉर्ड रहेंगी हमारी, उसको हमें देखिए ये जो गैप है इसके अंदर से हमें कॉर्ड को निकाल लेना है इस तरीके से। तो ये जो कॉर्ड है मिडिल की कॉर्ड में से निकालने के बाद, ये हमारी यहाँ पे कुछ नीचे की तरफ में कॉर्ड आएंगी और नीचे की तरफ में कॉर्ड आने के बाद हमें ये कॉर्ड को अच्छे से खींच लेना है इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, कॉर्ड को खींचने के बाद यहां पे हम कॉर्ड को इस तरीके से एक नॉट लगा देंगे, सिंपल नॉट यहां पे हमें लगा लेना है, जिससे कि हमारी ये जो हमने डिजाइन यहां पे बना लिया है ये हमारा यहां पे इजीली सिक्योर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, साइड में भी हम एज इट इज यहां पे यही जो डिजाइन रहेगा वो बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, दो कॉर्ड इस तरफ में से और दो कॉर्डों में नॉट वाली कॉर्ड में से ले लेनी है और इस तरीके से यहां पर भी हम नॉट लगाएंगे।
सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इस तरीके से नॉट लगाया है। इसके बाद देखिए मिडिल वाली कॉर्ड, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे गैप होएगा इस तरीके से, इसके बीच में से हमें कॉर्ड को निकाल लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हमें नीचे की तरफ में से कॉर्ड को इस तरीके से निकाल लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, कॉर्ड को निकालने के बाद यहां पे हम इस तरीके से नॉट जो है लगा लेंगे। सो इसी तरीके से इस तरफ में भी हम यही ब्लॉक बनाएंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको बनाने के बाद एक तरफ का डिज़ाइन बनाया है। सो इस तरफ में ये डिज़ाइन बनाने के लिए हम देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट येलो कलर के कॉर्ड लेंगे। इसके ऊपर हम यहाँ पे हमारी पिंक कलर के जो कॉर्ड हैं उनको हमें यहाँ पे इस तरीके से पाइपिंग कर लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट जो कॉर्ड रहेंगी, यानी कि फर्स्ट की दो कॉर्ड इस तरीके से नॉर्मल हम यहाँ पे पाइपिंग करेंगे इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो कॉर्ड रहेंगी इसके ऊपर, यहाँ पे हम एक बार कॉर्ड के ऊपर से निकालेंगे यानी कि अंदर से, और एक बार कॉर्ड को हम यहाँ पे बाहर की तरफ से निकालेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में किया था। एज इट इज यहाँ पर भी कर लेना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको 10 टाइम्स करेंगे, जिससे कि यहाँ पे ये हमारा जो डिज़ाइन बनेगा ये 5 टाइम्स, यानी कि 5 टाइम्स हमारा ये डिज़ाइन बन करके आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें इसको रिपीट कर लेना है। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 10 टाइम्स हमारा डिज़ाइन जो है वो बन करके हो गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें दोनों कॉर्ड को इस येलो कलर की कॉर्ड के ऊपर पाइपिंग कर लेना है इस तरीके से। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरीके से अब हमें यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो ये वाली कॉर्ड है इसके ऊपर हमें डिज़ाइन बनाना है। सो देखिए फ्रेंड्स, एक बार कॉर्ड को हम यहाँ पर इस तरीके से निकालेंगे और एक बार कॉर्ड को हम दूसरी कॉर्ड के ऊपर से इस तरीके से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें करना है और इसको हमें यहाँ पे 15 टाइम्स करना है। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इस तरीके से 15 टाइम्स यहाँ पे बनाया है। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे सेम एज इट इज इसी वाली जो कॉर्ड के ऊपर हमने ये डिज़ाइन को बनाया है, इस कॉर्ड को हम यहाँ पे इस तरीके से पाइपिंग कर लेंगे इस कॉर्ड के ऊपर इस तरीके से। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये जो डिज़ाइन था दोनों तरफ में इस तरीके से बनेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें नॉर्मल पाइपिंग यहाँ पे करनी है, तो हम यहाँ पे सेकेंड कॉर्ड को लेंगे, यानी कि सेकेंड पाइपिंग करने के लिए हमें दूसरी येलो कलर के कॉर्ड को ले लेना है, और इसके ऊपर ये जो हमारी 6 पिंक कलर के कॉर्ड हैं इनको हमें इस तरीके से जो है इसके ऊपर पाइपिंग कर लेना है। और ये जो पाइपिंग हम करेंगे इसको हमें टाइट करना है। जब हम इस कॉर्ड पाइपिंग को टाइट करेंगे तो ये जो ऊपर हमने डिजाइन बनाया है ये भी अपने आप टाइट हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमें जो है पाइपिंग को टाइट रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर का पाइपिंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, एज इट इज अब हमें यहाँ पे बाकी दो जो है दो नंबर की पाइपिंग करनी है। तो इसी तरीके से हम पाइपिंग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे।
सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसी तरीके से बाकी के दो नंबर की पाइपिंग कंप्लीट की है, तो दोनों तरफ में इक्वल हमारा डिज़ाइन बन के कम्प्लीट हो चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए जो पिंक कलर की कॉर्ड है, इसकी सेंटर वाली कॉर्ड हम लेंगे, यानी कि सेंटर की फोर कॉर्ड हमें ले लेना है इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, सेंटर की कॉर्ड लेने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल जो है सिंपल स्क्वायर नॉट हम यहाँ पे लगा लेंगे इस तरीके से। टाइट सिंपल स्क्वायर नॉट हमें यहाँ पे इस तरीके से लगानी होगी। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इस तरफ में हम जो है नॉट लगा लेंगे। इस तरीके से, और ये भी हमें बिल्कुल टाइट तरीके से ही यहाँ पे नॉट को जो है लगा लेना है, क्योंकि ऊपर की तरफ में कॉर्ड हमारी बचेगी नहीं जब हम यहाँ पे नॉट जो है टाइट तरीके से लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस तरफ में भी यहाँ पर एक सिंपल नॉट लगा लेंगे इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें नॉट लगाने के बाद अब हम यहाँ पे थर्ड नंबर का नॉट इस तरीके से यहाँ पे लगा लेंगे। इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो दो नॉट हैं, इसके बीच में भी हम यहाँ पर एक नॉट लगाएंगे। इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरफ में भी यहाँ पे एक नॉट लगाएंगे। इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने तीन तीन नॉट जो है इस तरीके से लगाई है। अब यहाँ पे ये जो हमारी येलो कलर की कॉर्ड हमारी साइड में से निकलते हुए आ रही है, यहाँ पर भी हम इसी तरीके से एक नॉट जो है लगाएंगे, जिससे कि यहाँ पे सारी की सारी कॉर्ड हमारी एक जो डिस्टेंस रहेगा, यानी कि एक लेवल तक हमारी यहाँ पे नॉट्स जो है लग जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हम नॉट लगाएंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने नॉट लगा के कम्प्लीट किया है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे मैंने लिया है फोर नंबर का एक रिंग। यहाँ पे नीचे हम बास्केट बनाएंगे, सो यहाँ पे मैंने फोर नंबर का रिंग लिया है। आप चाहो तो यहाँ पे थ्री या फिर टू नंबर का रिंग भी यूज कर सकते हो, ये आपके अकॉर्डिंग है। अगर आपको यहाँ पे सामान रखना है तो आप यहाँ पे बड़ा साइज का रिंग का यूज कर सकते हो। सो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पे हम पाइपिंग करेंगे। सो इसी तरीके से टू टाइम्स हमें एक कॉर्ड को यहाँ पे इस तरीके से निकाल लेना है रिंग के अंदर से, जिससे कि यहाँ पे ये जो हम पाइपिंग करेंगे ये यहाँ पे टाइट तरीके से पाइपिंग हमें करनी है। सो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम यहाँ पे सभी कॉर्ड को टू टू टाइम्स निकाल करके यहाँ पे इस रिंग के अंदर सारी कॉर्ड्स को पाइप इन कर लेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे रिंग में जो है सारी कॉर्ड को पाइप इन कर लिया है। अब ये जो स्पेस हमारी यहाँ पे बची है, यानी कि खाली रिंग है, इसके अंदर हमें कॉर्ड को अटैच करना है। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे येलो कलर का कॉर्ड लिया है, इसको हमने नीचे की तरफ में से ले लेना है। और ये जो कॉर्ड हम यहाँ पे ले लेंगे, ये 1 मीटर का कॉर्ड हमें लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक बार कॉर्ड को हम यहाँ पे लेफ्ट की तरफ से निकालेंगे, एक बार कॉर्ड को हम यहाँ पे राइट हैंड साइड की तरफ से निकाल लेंगे, और इस तरीके से कॉर्ड हमारी यहाँ पे अटैच हो जाएगी। सो देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पे सेकेंड कॉर्ड लिया है, इसका मेजरमेंट भी यहाँ पे 1 मीटर का रहेगा। नीचे की तरफ से कॉर्ड लेना है, एक बार हम यहाँ पे जो है लेफ्ट की तरफ से निकालेंगे, एक बार कॉर्ड को हम यहाँ पे राइट हैंड साइड की तरफ से निकाल लेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम यहाँ पे पूरी जो रिंग है, इसी तरीके से कॉर्ड यहाँ पे अटैच करके कंप्लीट कर लेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, पूरी रिंग मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरीके से कोई भी यहाँ पे फोर कॉर्ड्स हमें यहाँ पे ले लेनी है। फोर कॉर्ड्स को लेने के बाद देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पर उसके अंदर बीड्स को यहाँ पे फंसा लेंगे। इस तरीके से बीड्स को फंसाने के बाद देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरीके से टू टाइम्स इसके नीचे हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे इस तरीके से। इस तरीके से। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट कॉर्ड हम यहाँ पे ले लेंगे। नेक्स्ट कॉर्ड में भी हमें यहाँ पे बिल्कुल सेम इसी तरीके से प्रोसीजर कर लेना है। यहाँ पर भी हम इसी तरीके से जो है नॉट लगा देंगे, यानी कि बीड्स डालने के बाद यहाँ पर भी हम इसके बाद नॉट यहाँ पे लगा लेंगे इस तरीके से।
सो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें यहाँ पर ये जो हम बास्केट बनाएंगे यहाँ पे इसकी जो फर्स्ट लाइन रहेगी इसी तरीके से बीट्स डालने के बाद दो नॉट लगा के पूरी यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट लाइन मैंने यहाँ पे बना के कंप्लीट किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड लाइन बनाने के लिए सेम प्रोसीजर रहेगा। एज इट इज़ हम यहाँ पे कॉर्ड के अंदर बीट्स को फंसा लेंगे इस तरीके से। बीट्स को फंसाने के बाद देखिए यहाँ पर हम फिर से यहाँ पे टू टाइम सिंपल नॉट लगाएंगे। इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे एक नॉट लगा दिया है, इसके बाद सेकेंड नॉट भी मैंने यहाँ पे इसी तरीके से लगा दिया है। अब देखिए फ्रेंड, साइड की कॉल्यूम हम यहाँ पे ले लेंगे। साइड की कॉल्यूम में भी एज इट इज बीट्स को फंसाएंगे और कॉर्ड में बीट्स को फंसाने के बाद यहाँ पे हम फिर से जो है सिंपल नॉट इस तरीके से लगा देंगे। और ये जो है बिल्कुल हमें इस तरीके से बिल्कुल टाइटली तरीके से हमें यहाँ पे ये जो हम नॉट लगाएंगे बहुत टाइट तरीके से हमें ये नॉट को इस तरीके से लगा देना है। अब देखिए फ्रेंड, सेकेंड लाइन भी हमने एज इट इज बनाई है। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे थर्ड लाइन जो है बना लेंगे। सो थर्ड लाइन बनाने के लिए भी बिल्कुल यहाँ पे सेम प्रोसीजर रहेगा। ये देखिए इसी तरीके से हम यहाँ पर बीट्स को डाल देंगे। बीट्स को डालने के बाद यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे। इस तरीके से अब देखिए फ्रेंड, साइड की कॉल्यूम लेंगे। साइड की कॉल्यूम में भी हम यहाँ पे बीट्स डालेंगे। और यहाँ पर बीट्स डालने के बाद इसी तरीके से हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें यहाँ पर एक लाइन और बीट्स डाल के नॉट लगा के यहाँ पे फोर्थ लाइन बना के इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसी तरीके से ये बना के कंप्लीट कर लिया है बास्केट। फोर लाइन का बास्केट बनाया है, 1 2 3 4। अब देखिए फ्रेंड्स, एक पिंक कलर का कॉर्ड लेंगे हम। नीचे की तरफ से मैंने कॉर्ड ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से सबसे पहले ये देखिए इसके नीचे से हम यहाँ पे लेके जाएंगे कॉर्ड को और यहाँ पे सबसे पहले हम एक नॉट लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे ये जो नॉट है यहाँ पे इसको हम लगाएंगे और इसके बाद देखिए इसको हम ऊपर की तरफ में इस तरीके से करेंगे। इसके बाद ये करने के बाद देखिए यहाँ पे हम इसको जो है इस तरीके से जो है बिल्कुल टाइट तरीके से इसको राउंड शेप में घुमा देंगे इस तरीके से। ये हमें एकदम बिल्कुल टाइट तरीके से घुमा देना है और इसके बाद देखिए यहाँ पे एक डिस्टेंस तक बनाने के बाद इसको हम यहीं पे कट करके स्टिक करेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कॉर्ड को जो है कट करके स्टिक कर दिया है। इसके बाद देखिए कॉर्ड एक डिस्टेंस पे मैंने काट लिए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, कोई भी हम यहाँ पे दो कॉर्ड लेंगे और इस तरीके से एक के और कॉर्ड के अंदर हम बेल्स को यहाँ पे फंसाएंगे। बेल्स को फंसाने के बाद देखिए इस तरीके से हम लाइटर की हेल्प से दोनों कॉर्ड को अच्छे से मेल्ट करेंगे और मेल्ट करने के बाद एक दूसरे के साथ इस तरीके से इसे स्टिक कर देंगे जिससे कि यहाँ पे बेल्स हमारी सिक्योर हो जाएंगी। सो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जो है बाकी के कॉर्ड ले लेंगे और बाकी के कॉर्ड लेने के बाद एक कॉर्ड के अंदर फिर से हम यहाँ पे बेल्स को फंसा लेंगे। बेल्स को फंसाने के बाद देखिए इस तरीके से दोनों कॉर्ड को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और मेल्ट करने के बाद देखिए इस तरीके से यहाँ पे हम इनको राउंड शेप में घुमाएंगे और यहाँ पे हमारी जो कॉर्ड रहेंगी यानी कि जो बेल्स रहेंगी वो हमारी स्टिक हो जाएंगी। सो इसी तरीके से हम यहाँ पे नेक्स्ट जो है दो कॉर्ड लेंगे और एक कॉर्ड के अंदर बेल्स डालने के बाद लाइटर की हेल्प से कॉर्ड को स्टिक करेंगे इस तरीके से जिससे कि हमारी बेल्स यहाँ पे स्टिक हो जाएंगी। सो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से सभी कॉर्ड के अंदर हम बेल्स को लगा करके कंप्लीट कर लेंगे।